अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं मटन अफगानी कीमे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आसान है और मज़े का भी बनता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल डाला मैंने, तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। अभी कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, 3 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, 7-8 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा। इसको थोड़ा सा कड़कने देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 प्याज, लिए मैंने बड़े साइज के लिए थे, और इसको बारीक चॉप करके लिए ऑमलेट कट, इसमें डाल देंगे। अब प्याज को अच्छे से भून कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक छोटा प्याज लिया है बड़ा बड़ा चॉप करके, 1 मुट्ठी हरा धनिया मोटा चॉप करके, 2 मैंने हरी मिर्ची लिए, आप तीखा खाते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। इसको मिक्सी जार में डालकर पीस कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको मिक्सर में डाल दिया है, अब इसको पीस कर लेंगे। पानी लगेगा तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच डालेंगे और इसका पेस्ट बना कर लेंगे। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया, हल्का बादामी हो गया, इस तरह करना है इसको। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी साथ ही हम कीमा ऐड करेंगे। तो मैंने मटन का कीमा लिया है 500 ग्राम, 1/2 किलो, ये इसमें डाल देंगे। मैंने धोकर अच्छे से इसको निकाल कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट इसको हम लोग हाई फ्लेम पे ही रखा है मैंने, हाई फ्लेम पे भून कर लेंगे, बाद में इसमें मसाले ऐड करेंगे। चलिए, तो मसाले इसमें डालते हैं। तो मैंने सूखे मसाले, देखिए, 2 टेबलस्पून धनिया जीरे का पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करके 2-3 मिनट भून कर लेंगे सब मसालों के साथ। बहुत मज़े का बनता है ये अफगानी कीमा शहरी में, आप इसको ज़रूर बनाना, रमज़ान आ रहे हैं तो, और ज़्यादातर सब घरों में कीमा तो बनता ही है। तो इस तरह से आप बनाकर देखो। अब इसको मैं अच्छे से भून कर लूँगी। देखिए, मैंने इसको अच्छे से भून कर रखा है, 2 मिनट मैंने कवर करके रखा था कि मैंने पानी छोड़ दिया है। तब हम इसमें ये जो पेस्ट बना कर रखा है हरा धनिया मिर्ची और प्याज का, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से फिर से एक बार हाई फ्लेम पे भून कर लेंगे, फिर इसको पकने के लिए पानी डालेंगे। मटन का कीमा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, आप चाहे तो कुकर में भी डाल सकते हो, लेकिन ये पक जाता है जल्दी। इस तरह से खुले बर्तन में बनाएंगे। अब मैं इसको अच्छे से 2-3 मिनट भून कर लेती हूँ। ये अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें पानी डालेंगे पकने के लिए। अब इसको एक बार मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से पका कर लेंगे। देखिए, इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए, पानी जो भी डाला था वो सूख गया। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। 100 ग्राम दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट कर लिया है। गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने, 2 फ्लेम पे डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट इसको हम भून कर लेंगे। देखिए, मैंने दही डालने के बाद अच्छे से भून कर लिया है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। तो मैंने घर की मलाई ली है 3 टेबलस्पून, आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे।
अब इसको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है, अब दो तीन मिनट लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। मलाई आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अफगानी ये कीमा है तो इसके लिए बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब लो फ्लेम पे इसको दो तीन मिनट हम कुक करके लेंगे। देखिए मलाई डालने के दो तीन मिनट हो गए, तो अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से हल्की ग्रेवी वाला बनाया, आप चाहे तो इसको और भून के ड्राई भी कर सकते हो, लेकिन ये आप पाव वगैरह के साथ खाने के लिए, पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये हो गया है, गैस बंद करेंगे और इसका लास्ट स्टेप है, इसको हम लोग कोयले का धुआं देंगे। कोयला मैंने दूसरी तरफ गर्म होने रखा है। देखिए मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला अच्छे से गर्म हो गया, तो अब इसमें हम लोग धुआं देंगे। तो तेल या घी या बटर भी डाल सकते हो, मैं तेल डाल रही हूँ और इसको फौरन हम कवर करेंगे अच्छे से। इसका धुआं पूरा अंदर तक 5-6 मिनट रखेंगे, इससे बहुत ही मज़े का कीमे को टेस्ट आएगा। इसको अभी कवर करके इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए इसका धुआं अच्छे से निकल गया है, तो अब इसका ढक्कन खोलेंगे। देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही, तो ये निकाल देंगे इसके अंदर से और इसको अभी गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। देखिए क्या मज़े का कीमा बना है और खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। देखिए हमारा मटन अफगानी कीमा बनके तैयार है, एकदम मज़ेदार और टेस्टी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही इसकी। मैंने इसको इसे मिर्ची के साथ सर्व किया, इसको नींबू डालकर आप मज़े से खा सकते हो, इसको नान के साथ, पाव के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हो सहरी में। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।